नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने आया। तो दोस्तों देखिए, मैं आज आपको मेरा गुआवा प्लांट का अपडेट मैं दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप गुआवा प्लांट को जल्दी मतलब उसको फ्रूटिंग आपको मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि मेरा चैनल, मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा जो गुआवा प्लांट्स है, 3 महीना पहले मैंने इसको प्लांटेशन किया था, उसको आप देख रहे हैं कि कितने सारा गुआवा भी अभी लग चुका है। तो दोस्तों इसका जो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये जो गुआवा प्लांट है, ये एयर लेयरिंग से मतलब इसको इसको प्रोपगेशन किया और उसके बाद देखिए 3 महीने के बाद जो इसका ग्रोथ है वो साथ में जो इसको फ्रूटिंग भी आ रहा है, आप देख रहे हैं कि कितना सारा फ्रूटिंग आपको नज़र में आएगा। ये देखिए, ये 2 है, इधर 3 है, आप देख रहे हैं 3 एक ही ब्रांच में और दूसरा नीचे भी है, आप देख रहे हैं ये सारा, ये भी है, ये भी साथ में आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये सारा फ्रूटिंग जो है, 3 महीना का जो पौधा था तब बहुत ही छोटा था, शायद आप उसका जो वीडियो का लिंक है, जब मैं प्लांटेशन किया था तब का जो वीडियो, जो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं उस लिंक से। तो दोस्तों उस टाइम का जो मैंने इसमें खाद वगैरह जो मैंने यूज़ किया था, तो आप उसी वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके बाद का जो केयर है मैं आपको बताऊँगा ताकि कैसे इसका फ्रूटिंग इतना जल्दी इसमें फ्रूटिंग हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो है 3 महीना में मैंने हर महीना में इसको थोड़ा बहुत जो है काउडंग मैन्योर और बर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा नीमकली मिला के एवरी मंथ इसको मैंने फीड किया। उसके बाद जो है ये जो फ्रूट आप देख रहे हैं, 2 महीने के बाद ही इसमें फ्रूट मतलब कहना फूल आ गया था, बर्ड्स मतलब कहना फ्लावरिंग किया। उसके बाद अभी देख रहे हैं ये 1 महीना जो है, 1 महीना का जो ये फ्रूट अब देख रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जो है ये मिट्टी वेल ड्रेंड होना चाहिए जाकि ताकि अभी बरसात का समय है, अगर पानी इसमें जमा होगा तो आपका इसका रूट्स जो है वो सड़ जाएगा, आपका प्लांट्स भी ख़राब हो जाएगा। तो साथ में दोस्तों अभी जो है इसमें जो जितने 3 महीना में लास्ट 3 मंथ्स में मैंने इसमें फर्टिलाइज़र दिया, अभी इसको फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बरसात का सीज़न है। इसमें फर्टिलाइज़र आप देंगे इसमें पानी में वॉश होकर उसका ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए बरसात के सीज़न में आप इसको फर्टिलाइजिंग मत कीजिए। जैसे ही मतलब कहना आपको बरसात ख़त्म हो जाएगा, जैसे सितंबर या तो शुरू में या तो अगस्त की लास्ट में आप इसको फर्टिलाइजिंग करें, तब इसका जो है ग्रोथ फिर से दोबारा से होगा और ये पौधा जो है ये हर मतलब पूरा साल ही इसमें फ्रूटिंग होता है। तो मैं साल में कम से कम 2 बार इसमें फ्रूटिंग होगा और आपको बहुत सारा अमरूद जो है आपको मिलेगा। ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैटर्स इसमें भरपूर होना चाहिए, तभी जो है इसमें जल्दी आपको फ्रूटिंग मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, आपका मेरा जो प्लांट है वो उसका जो अपडेट है आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।